इस टेम्पो के पीछे चले। आम आदमी पार्टी ने पिछले चार साल से दिल्ली का राजनीतिक कल्चर समाप्त कर दिया। हमारे पास ऐसे उदाहरण है जब केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की थी और यदि कोई इलेक्टेड मेंबर दूसरी पार्टी का था हम सम्मान सहित बुलाते थे। एक तो लोकल सांसद को बुलाए नहीं, तब वो एक नागरिक के रूप में जब वहां खड़ा हुआ उसको धक्का देना और फिर जान से मारने की धमकी देना, मैं नहीं समझता हूं कि अमानतुल्ला खान साहब इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि वो दिल्ली के लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पूरे हमारे विधायक, पूर्व विधायक यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग आज मिलकर विद्रोह कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका पुतला भी जला रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि हम दिल्ली में इस तरीके का लोकतंत्र नहीं चाहते जिसमें ये गुंडे जो है वो राज करें और इस तरीके की घटना। आप क्या करेंगे आगे, क्योंकि प्रदर्शन है क्या मांग है? देखिए, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है और उन्होंने धक्का देकर मारने की कोशिश की। जो कानून में धारा बनती है वो FIR होनी चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसको जेल के अंदर चाहती है और दूसरा राजनीतिक रूप में ये एक संदेश देना चाहिए कि ये गुंडागर्दी दिल्ली में नहीं चलेगी। और यही हम प्रदर्शन करेंगे बिन बुलाए, और इस प्रदर्शन के बाद सभी अपने अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक सांसद को आपने बुलाया नहीं, वो एक नागरिक के रूप में वहाँ चला गया तो आप उसका अपमान करेंगे? ये आपकी राजनीति है? निगम पार्षद, एक सांसद सरलता से वहाँ जाकर चुपचाप खड़ा है, आपने तो वीडियो देखा है। तो ये गुंडागर्दी जो है ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है और वैसे भी ये जो MLA है ये बेल पे छुटा हुआ है, बेईमान है और केजरीवाल साहब इसको बार बार शह देते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। कल हम भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले थे और
हम लोग को जानकारी थी दिल्ली में अभी तक ऐसा जो प्रोटोकॉल जो ये कहता है किसी क्षेत्र में कोई उद्घाटन यदि होता है तो उस एरिया के एमपी चीफ गेस्ट होते हैं और एरिया का एमएलए उसको प्रिजाइड करता है। आपको मालूम है किस तरह का व्यवहार मनोज तिवारी जी के साथ किया गया? मनोज तिवारी जी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, मनोज तिवारी जी पार्लियामेंट के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनको गोली मारने की धमकी दी जाए, उनको स्टेज से धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाए, उनको गाली गलौज उनके साथ की जाए। इससे पहले यही अमानतुल्लाह खां भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी अब सब बोल चुका है, यही अमानतुल्लाह खां कम से कम ओखला विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक दर्जन लोगों के साथ मारपीट कर चुका है, महिलाओं के साथ मारपीट कर चुका है और हमारे पास लिखित शिकायतें कम से कम दो दर्जन जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उन प्लॉटों पर ये और इसके गुंडे कब्जा करते हैं, ये कम से कम दो दर्जन लोगों की शिकायतें हमारे पास आई हैं। हम इस व्यक्ति को इसके विधानसभा क्षेत्र में भी इसको राजनीतिक तौर पर भी इसको घेर कर मारेंगे, निपटेंगे इसको राजनीतिक तौर पर भी और भारत सरकार से भी हमारी मांग ये जारी रहेगी कि जब तक अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठेगा। आज शुरुआत है और जब तक जेल नहीं जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, हमारा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हर कीमत पर इसको जेल भिजवाएंगे। मनोज तिवारी जी का अपमान किया है, ये मनोज तिवारी का अपमान नहीं है, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान उसने किया है, तो इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। केजरीवाल, दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार।